हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पार्लर के कुछ बेसिक स्टेप्स, जैसे कि आईब्रोज आप घर पे कैसे इजीली बना सकते हो, कैसे उसकी प्रैक्टिस करके जब आप पार्लर जाते हो तो वहाँ पे जो भी बेसिक चीज़ें पार्लर में सिखाई जाती हैं वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके अपने वीडियोज़ में बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले जब आप पार्लर जाते हो तो वहाँ पे सिखाया जाता है आईब्रोज, तो सबसे पहले आप धागा चलाना, जो हम थ्रेड लेते हैं ना उसको किस तरह से चलाया जाता है, सिर्फ उसी की प्रैक्टिस की जाती है 4 से 5 दिन तक, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते हो। किसी भी पार्लर में आप जाओ, कहीं भी आप जाओ जहाँ पे आपको कोर्स बेसिक स्टेप्स सिखाए जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले थ्रेड ही चलाना सिखाया जाता है। तो अपने इस वीडियो में मैं आज आप सबको थ्रेड चलाना सिखाऊंगी, और ये थ्रेड आप प्रैक्टिस के साथ आप आसानी से आईब्रोज कर पाएंगे। आपको लेकिन किस किस तरह से प्रैक्टिस करनी है वो सब मैं बताती जाऊंगी, और ये जानने के लिए ना आप वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको ये देखिए, ये थ्रेड है, आपको घर के धागे से सिखा रही हूँ। बाद में जो आईब्रोज के लिए जो धागे आते हैं, जो थ्रेड आते हैं, वो इजीली आपको मिल जाएंगे किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, घर के धागे से कर सकते हैं। तो ये इसको ये देखिए, जैसे मैंने इतना बड़ा धागा लिया है, ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिया है कि आपको आसानी हो समझने में। ये देखिए इतना बड़ा ये धागा है, तो इसका जो एक पोर्शन है ये वाला, इसको हम ऐसे अपने मुंह में दबा लेंगे दांत से अच्छे से दबाना है कि निकले नहीं, और इतना भी तेज़ मत दबाइए कि दांत से कट जाए, धागा ही बाहर हो जाए, तो थोड़ा आराम से। इसके बाद दूसरा पोर्शन देखिए, ये इस हाथ में है। अब ये जो यहाँ से, ठीक है, दोनों मैंने कोना इसका पकड़ लिया है, यहाँ से हम 7 नॉट्स लगाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आप ऐसे पकड़िए, नहीं तो एक आध बार ऐसे घुमा लीजिए, ये उल्टा आपको आसान पड़ेगा, छूटेगा नहीं हाथ से। आपको धागा कैसे चलाना है, ऐसा हाथ खोलना है, बंद करना है, हाथ खोलना है, बंद करना है, और ये सॉरी वो मैं बोल रही हूँ ना साथ साथ में, इसके लिए निकल गया। तो ये देखो, इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है जब तक कि आपका हाथ परफेक्ट दोनों एक साथ ना चलने लग जाए। आपको इसी की प्रैक्टिस कराते हैं, इसी की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इस तरीके से। इसके बाद जब आप ये आपका हाथ जो है जो अच्छे से चलने लग जाएगा, तो इसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपने घुटनों पे कर सकते हैं, अपने पैर पे कर सकते हैं, लेकिन पहले अच्छे से, और ये नहीं कि एक दिन किया, दो दिन किया और उसके बाद नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस करते करते ना ये उंगलियाँ हैं ना, ये ऐसा कट जाती हैं, निशान पड़ जाते हैं इसमें, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपको कहीं पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे आसानी से सीख पाएंगे। तो इसको करने के बाद आप आराम से अपने पैर पे कर सकते हैं, मतलब इसमें धागा फंसा के जब आप ये चलाना सीख लेंगे, तो इसके अंदर कैसे धागा फंसाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये आपका घुटना है, आप घुटने के बालों को पहले निकाल सकते हैं ऐसा, ये जो है इसमें ऐसे थ्रेड को फंसाइए और इस तरह से मुंह से खींचिए, ऐसे फंसाना है और ऐसे खींचना है, तो इसके अंदर बालों को फंसाना है और ऐसे खींचना है। फिर उसके बाद आप पैरों पे अपने प्रैक्टिस कीजिए, जब पैरों पे आपका अच्छे से हो जाएगा उसके बाद आप अपने फोरहेड पे कीजिए,
सॉरी अपने क्या, दूसरे के फोरहेड पे, घर में इतने सारे लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, किसका भी फोरहेड ले लीजिए और फोरहेड पे प्रैक्टिस कीजिए। आईब्रोज को टच मत कीजिएगा तब तक। जब फोरहेड पे आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा, आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे धागा चलाना बहुत अच्छे से आने लग गया है थ्रेड, उसके बाद आप थ्रेड टच कर सकते हैं। लेकिन थ्रेड देखिए, एक्स्ट्रा बाल जो होते हैं ना ऊपर और नीचे, आप वो निकालिए। थ्रेड का शेप पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ एक्स्ट्रा बालों पे ध्यान दीजिए। जब एक्स्ट्रा बाल आप निकाल लेंगे ना, तो कोई किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि थ्रेड का शेप कैसे बनाते हैं, वो आपको अपने आप आ जाएगा। कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं किस तरह से इसको किस तरह और किधर थ्रेड घुमाऊँ कि वो शेप वैसा आ जाए। तो जब आप ये घुटने और, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घुटने और फोरहेड पे प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप एक्स्ट्रा बाल निकालिए, अपने आप आपका हाथ अच्छे से चलने लग जाएगा और आपको अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसमें आईब्रोज को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप घर के लोगों में कर सकते हैं, आपकी मम्मी है, भाभी हैं, जो भी घर में आपके हैं उनके फेस पे करिए। थोड़ा ख़राब भी हो जाएगा तो चलेगा ना, घर में ही रहना है कुछ दिन, प्रैक्टिस करके फिर क्लियर हो जाएगा। तो थ्रेड चलाइए, प्रैक्टिस करते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कितना टाइम लगा प्रैक्टिस करने में और कब आपका क्लियर हुआ। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर इसके बाद मैं बेसिक जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं कोर्स में, वो मैं सब आपको देने वाली हूँ अगले अगले वीडियो में, ऐसे देते जाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो देखना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब के बाद बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, उससे जो भी मैं नए वीडियो बनाऊँगी उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। तब बाय।